चिकन बिरयानी तो बहुत अच्छी थी यार। हरप्रीत मैं देख रहा हूँ जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ, जो भी डिश बन रही है, वो पूरी तुम खत्म कर रही हो, क्या मतलब कुछ कैपेसिटी है कि नहीं, क्या बस चली जा रहे हो यार? सही है, मतलब मालूम है तुम नॉर्थ की हो, पंजाबन हो, लेकिन इसका मतलब सही में तुम ओरिजिनलिटी दिखा रही हो उसकी। एक्चुअली क्या है ना, लाबेल की लो कैलोरी डाइट फॉलो करके, रेसिपीज फॉलो करके ये सब बन रहा है, वो बात तो है। कितना भी खाओ, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं खा रही, लेकिन अब थोड़ा 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 समय से खा रही हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ यही करती हूँ। मैं दो तीन बार नहीं खाती दिन में, कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। मैं बीच में स्मॉल स्मॉल मील्स लेती रहती हूँ इंटरवल्स पर, बहुत दिमाग और ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि ये हो कि रात तक मुझे ये ना हो बहुत भूख लगे, बिकॉज रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, राइट? तो सोने के पहले दो घंटे पहले एटलीस्ट तुम खाना खाया करो, राइट? खाना खा के इमिडिएटली अगर सो गए तो फिर वो डाइजेशन में सब गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ। एंड डिनर मेरा बहुत लाइट होता है, उसके बीच में मैं फ्रूट ले लेती हूँ या कुछ ना कुछ छोटा छोटा स्नैक ले लेती हूँ, जिसपे ध्यान रखती हूँ। ये हेल्दी लाइफस्टाइल में अपनी अगली रेसिपी है, जिसका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत बड़ा नहीं है। ये मैं बना रहा हूँ चिकन कोरमा। अभी चिकन कोरमा सुनते ही काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत रिच डिश रहती है, क्योंकि कोरमा ग्रेवी बहुत रिच रहती है, काजू, चार मगज उसमें, फिर दुनिया भर के सब हाई कैलोरी आइटम उसमें रहते, क्रीम पड़ता है, बटर पड़ता है, बहुत ही सिंपल चीज़ें जो तुम्हारे घर पे ऐसे ही मिल जाएगी, यही चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स: ऑयल 1 टेबलस्पून, चिकन 200 ग्राम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट 50 ग्राम्स, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया का पेस्ट 30 ग्राम्स, दही 150 ग्राम्स और नमक स्वादानुसार। शुरू करते हैं, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेते हैं पहले। तेल को गरम करने के बाद इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट हमने मिक्स करना है, दो चम्मच। इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेते हैं पहला। अभी इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। इस रेसिपी में मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे बन रही है तो वो अपनी ही ग्रेवी में चिकन पकेगा और उसकी फ्लेवर उसमें उतर आएगी। तो अदरक लहसुन के बाद हम इसमें ये चिकन डाल देते हैं सब। चिकन हम अच्छे से सॉटे कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया आ रहा है फ्लेवर, टेस्ट अच्छा ब्राउन हो रहा है वो चिकन। सब बाजू से उसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं चिकन को। इट्स लवली। चिकन अभी हमने अच्छे से सॉटे कर लिया है। ये जो हरी मिर्च, धनिया और पुदीना की जो पेस्ट है वो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि इसको अलग से मैरिनेशन की आवश्यकता नहीं है, ये इसी ग्रेवी में वो अच्छे से पक जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा। हम एक चिकन पकने के लिए 2-5 मिनट इसको कवर करके रख देते हैं, और जैसे ही चिकन पकता है हमने उसमें ये दही और थोड़ा सा नमक डालना है। आहा, इट स्मेल्स नाइस। बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है उसका, और ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी बन गई है। इसमें अभी हल्का सा हमें दही डालना है। दही को ऑब्वियसली थोड़ा सा, यू नो, विल जस्ट बीट इट सो दैट ऐसे कर्डल इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। एक चम्मच दही और थोड़ा सा नमक। यस, बहुत लाजवाब, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एक उसको बॉईल देते हैं और चिकन तैयार। ये मतलब स्टार्टर है। कब से स्टार्टर्स चल रहे हैं? सिर्फ स्टार्टर्स ही चल रहे हैं। ये चिकन, चिकन कोरमा इन ग्रीन करी, ऐसे बोल सकते हैं इसको, करी टेस्ट कर सकती हो, और उसकी जो खासियत है वो पूरी करी में उतर आई है, चिकन की खासियत। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भून लें। इसके बाद इसमें कटे हुए चिकन के साथ हरी मिर्च, पुदीना और धनिया का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएं। अच्छी तरह पक जाने के बाद इसमें दही और स्वादानुसार नमक डालें। तो लीजिए, हो गया तैयार आपका चिकन कोरमा। इसमें आपको मिलता है 141 कैलोरीज, प्रोटीन्स 29 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 7.5 ग्राम्स और फैट 5 ग्राम्स।